तो ये गैस आपको झारखंडी जोहार। आज झारखंड की जोहार। हम लोग दार्जिलिंग से निकलने वाले हैं कुछ ही देर में। तो लड़का लोग जो है पूरा पैकिंग वैकिंग कर लिया है। हम भी अपना पैकिंग वैकिंग मेरा भी हो गया है। बस अभी गाड़ी आने का देरी है। गाड़ी आएगा तो हम लोग फिर निकल जाएंगे। आप लोगों को बताएं कि यहाँ का काफ़ी अनुभव बहुत अच्छा रहा। जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ वहाँ देखने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ थे। काफ़ी मज़ा भी आया। कभी वक्त मिलेगा तो आप लोग भी आइए। और जितने कोई मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ताकि जो है आने वाले दिनों में जो जो मैं वीडियो में आप लोग के सामने डालूँ तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोग को मिल सके। वो चलिए देखते हैं, अगर रास्ते में कोई चीज़ ऐसा नज़र आएगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाते हुए जाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो है हम लोग नेपाल बॉर्डर होते हुए जाएंगे। सर बता रहे थे कि वहाँ भी थोड़ा हम लोग दर्शन वर्शन देंगे अपना। नेपाल बहुत कोई तो गए भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग का जो एक सुनहरा अवसर है दूसरा देश में अपना पांव रख पाए ऐसे। और एक मार्केट है पशुपति नाम करके, वहाँ भी हम लोग जाएंगे कुछ ऐसे बोला गया है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ये देखिए ये सब जो है होटल में जा जा के कपड़ा बेचते हैं। शॉल सब है और चादर सब है, काफ़ी सुंदर सुंदर का, लेकिन थोड़ा महंगा है, लेकिन डिस्काउंट डिस्काउंट करके दे ही देते हैं कम सम करके। तो ये चुन मेरा बेटा इतना बड़ा है, चुन रहे हैं। हम लोग निकल गए हैं अभी ना, खाई किचन को बोला के भने ना, तो गाड़ी में मैं को तिम्रो एक बारिश भी स्टार्ट हो गया। देखिए वाइपर यूज कर रहे हैं हमारे ड्राइवर। इधर का व्यू पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। बादल देख सकते हैं, यहाँ अंधकार हो गया है। ये हम लोग का गाड़ी है। सर आइए, सर 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 आइए 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 आप भी। ये जो हम लोग आए हुए हैं यही राज मूवी का शूटिंग हुआ था। इधर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग है। यहाँ मैम लोग यहाँ टिकट ले रहे हैं। टिकट का ऐसे दाम है 20 पर हेड, इस तरह से है। फाइनली हम लोग जो है नेपाल और इंडिया बॉर्डर का जस्ट बगल में है। ये जो चेक पोस्ट देख रहे हैं, चेक पोस्ट के उस साइड जो है नेपाल है। हम लोग उधर जाने वाले हैं। तो एक आए नहीं है, एक हमारे दोस्त बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे और तो हम लोग चले जाएंगे उस साइड देखेंगे। देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट लोग जो है एक एक करके आ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आए हैं, हम और अर्नेस्ट, ये हमारे दोस्त। वहाँ पूरा भीड़ जमा हुआ है। ये स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, देखिए एक से एक कतार कतार पे कतार आ रहे हैं। ये हमारे माइकल सर हैं, हेमंत जी हैं, और सबसे पीछे में हमारे कुकुमू राहुल। नमस्ते नमस्ते। और देखिए झोला वोला है।
ये नेपाल आने के बाद अनुभव ही कुछ अलग है। यहाँ पर लोग काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ लड़का सब शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। ये फाइनली हम लोग जो पशुपति का बाजार आ गया है, जितना भी ले सकते हैं सामान वामान, उस साइड पर करने देगा ना। एक आदमी 5 लाख का सामान ले जाता है, एक आदमी 5 लाख का सामान। 5 लाख का, तो वही पता चला कि एक आदमी 5 लाख का सामान ले जा सकता है। देखिए नेपाल का मार्केट इस तरह, अधिक बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ देखिए यहाँ का मार्केट इस तरह से है। अभी हम लोग वापसी जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए वापस हम लोग जा रहे हैं। अधिक देर यहाँ रुकना भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को जल्दी बोला गया है आने के लिए। अभी हम लोग नेपाल मार्केट से जो वापस जा रहे हैं बॉर्डर के पास, वहाँ से जो है हम लोग दूसरे तरफ जाएंगे। दार्जिलिंग जैसा ही मौसम है। यही हम लोग आ गए वापस नेपाल बॉर्डर। हम लोग का घूमना हो गया है, देखिए किस तरह है यहाँ। हम लोग अब जाने वाले हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।